लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी राजीव गांधी के 400 प्लस सीटों का रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में है। यही वजह है कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। अपने हर रैली में पीएम मोदी इसको याद दिला रहे हैं। इस नारे के मुताबिक बीजेपी 370 सीटों पर चुनाव जीतेगी तो वहीं एनडीए 400 सीटों का आंकड़ा टच करेगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हुआ है और वो भी रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के नाम है। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 414 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि ये जीत इंदिरा गांधी की हत्या की सिंपत्ति की वजह से मिली थी, लेकिन बीजेपी इसे अपने रणनीति और विकास के कार्यों के दम पर हासिल करना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी दक्षिण भारत और मुस्लिम वोटरों के लिए साइलेंट मास्टर प्लान तैयार कर रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है बीजेपी का साइलेंट मास्टर प्लान। बीजेपी के 400 पार के नारे में मुस्लिम वोटर बन सकते हैं रुकावट। बीजेपी को 400 सीटों का आंकड़ा छूने के लिए करीब 50% से ज़्यादा वोट हासिल करने होंगे, लेकिन बीजेपी के लिए मुस्लिम और दक्षिण भारत में वोट हासिल करना मुश्किल है और इनको बिना साधे बीजेपी 400 का आंकड़ा पार भी नहीं कर सकती है। यही वजह है कि बीजेपी अब मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए रणनीति पर काम कर रही है। देश की मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 15% है और ये करीब 60 से अधिक सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, जहां ये किसी भी प्रत्याशी को जिता सकते हैं। इसके अलावा करीब 35 से 40 सीटों पर अहम रोल अदा करते हैं। ऐसे में बीजेपी इस बात को समझती है कि 400 का आंकड़ा हमें छूना है तो इन्हें अपने पाले में लाना ही होगा। लेकिन बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है और मुस्लिम वोटरों को भी साधने के लिए चुपचाप रणनीति में लगी हुई है। मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बीजेपी का क्या है प्लान? बीजेपी अपने हिंदुत्व विचार पर चुनाव लड़ना चाहती है। यही वजह है कि उसने राम मंदिर का भव्य रूप से उद्घाटन कर घर घर तक इसे पहुंचा दिया है और अपने मुद्दों में सबसे पहले राम मंदिर को रखा है। तो ऐसे में वो मुस्लिम वोटरों को खुलकर नहीं साध रही है, लेकिन जो एनडीए के साथ उसके सहयोगी हैं उनके माध्यम से साधने में लगी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने गठबंधन के कुंबे में उन दलों को मिला रही है जिनकी मुस्लिम समुदाय के बीच पकड़ अच्छी है, ताकि बीजेपी के नाम पर नहीं इन सहयोगी दलों के नाम पर मुस्लिम वोट में सेत लगाया जा सके। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ हाल ही में सहयोगी बने एनसीपी के अजीत पवार से लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की मुस्लिम वोटरों पर अच्छी पकड़ है। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन करीब 2 दशक पुराना है, बीच के 2-3 साल छोड़ दिया जाए तो, लेकिन बीजेपी के साथ रहने के बावजूद भी उन्हें मुस्लिम वोट मिलता रहा है और जयंत चौधरी लगातार जाट मुस्लिम समीकरण पर ही काम कर रहे थे। बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद भी आरएलडी के मुस्लिम विधायक उनके साथ बने हुए हैं। इस तरह अजीत पवार के साथ मुस्लिम विधायक बने हुए हैं और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बाबा सिद्दीकी ने भी एनसीपी का दामन थाम लिया है। जयंत चौधरी मुस्लिम विधायकों को यूपी में बनवा सकते हैं मंत्री। मुस्लिम और जाट मतदाता आरएलडी के परंपरागत समर्थक रहे हैं। कुछ एक चुनावों को छोड़ दे तो हमेशा से चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह से लेकर जयंत चौधरी तक इन वर्गों का लगभग एकमुश्त समर्थन आरएलडी को मिलता रहा है। इसी समीकरण के बदौलत अजीत सिंह केंद्र और सूबे की राजनीति में अपनी धमक दिखाते रहे हैं। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने से राजनीतिक समीकरण बदले हैं, लेकिन आरएलडी के मुस्लिम विधायक अभी भी साथ बने हुए हैं। माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटों को साधे रखने के लिए जयंत चौधरी अपने मुस्लिम विधायक योगी सरकार में मंत्री बनवा सकते हैं। बीजेपी से गठबंधन करने के बाद बिजनौर जिले के एक नगर पालिका से चुने गए मुस्लिम अध्यक्ष ने आरएलडी का दामन थामा है। शाहिद सिद्दीकी, डॉक्टर मेराजुद्दीन और एहतेसाम खान जैसे मुस्लिम नेता आरएलडी में हैं, जिनका पश्चिमी यूपी में ठीक ठाक जनाधार है। नीतीश कुमार भी खेल सकते हैं मंत्री पद का कार्ड। ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। पहले भी रहे हैं और उनके साथ मुस्लिम वोटर भी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से मुस्लिम वोटर उनके साथ एकजुट नहीं हो रहे हैं। विधानसभा 2020 के चुनाव में जेडीयू से कोई भी मुस्लिम विधायक नहीं बना है, लेकिन मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए नीतीश ने बसपा के टिकट से बने विधायक जमा खान को अपने साथ मिलाकर कैबिनेट का हिस्सा बनाया था।
हालांकि जेडीयू ने 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जबकि 2015 में पार्टी के 5 विधायक थे। अब चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए जमा खान को मंत्री पद दे सकते हैं। ऐसा करना नीतीश कुमार की मजबूरी भी है, क्योंकि बिहार में करीब 16% मुस्लिम मतदाता है। सूबे की 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम वोटर अहम भूमिका अदा करते हैं। इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 20-40% के करीब है। सीमांचल की 4 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। यही वजह है कि नीतीश मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं और मंत्री पद भी दे सकते हैं, और इससे नीतीश और बीजेपी दोनों को फायदा हो सकता है। क्या अजीत पवार मुस्लिम वोटरों में लगा पाएंगे सेंध? यूं तो महाराष्ट्र में हमेशा से मुस्लिम वोटर एनसीपी के साथ रहे हैं, लेकिन इस बार समीकरण बदल चुका है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। ऐसे में अजीत पवार के सामने अपने मुस्लिम वोटरों को साथ रखने की चुनौती है। यही वजह है कि पिछले दिनों रायगढ़ में अजीत पवार मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते नजर आए। अजीत पवार ने मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाने की बात कही है। हालांकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की वजह से मुस्लिम वोटर एकजुट नजर आ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे की भी मुसलमानों के एक तबके के बीच मजबूत पकड़ हुई है, तो वहीं राज्य में मुस्लिम वोटर करीब 16% हैं, जिनके बीच ओबीसी अपनी पैठ जमाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अजीत पवार के साथ कितने मुस्लिम वोटर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।